चलिए फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल एसकेएस टिप्स में। आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेके जो है पाई ऐप के रिलेटेड। जैसे दोस्तों आपको पता ही है, पाई ऐप में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी अब फाइनली आ चुकी है। आपके जितने पाई आपने माइन कर चुके हैं, अब उसको माइग्रेशन का टाइम आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ आज की, कि पाई का माइग्रेशन का टाइम आ चुका है। ये मेन नेट पर अभी ट्रांसफ़र होने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट डाल देनी है। जैसे ही आप ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट डाल दोगे तो 14 दिन का दोस्तों प्रोसेस है, तो आपके जितने भी वेरीफाई बैलेंस होगा वो आपके मेन नेट पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो मैं आपको वन बाई वन सारी डिटेल बताऊंगा दोस्तों, आपको कहाँ कहाँ क्या क्या करना है, क्या क्या रिक्वेस्ट आपको डालनी है। क्योंकि अभी मेजॉरिटी दोस्तों सबके KYC हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक KYC नहीं करा है तो आप जल्दी से अपना KYC कर लें। KYC के लिए दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ जाके KYC करना है। आपको जब आप माइन करते हो पाई तो तब आपको KYC एलिजिबल की ऑप्शन भी आ रही होगी, उस पर क्लिक करें। आपको अपनी फ़ोटो क्लिक करनी है और अपना एक अपना कोई ID प्रूफ पंच करना है, जैसे आधार कार्ड वगैरह, तो आपका KYC हो जाएगा। 24 to 48 आवर में KYC हो जाता है। तो आप अपना जल्दी से KYC कर लें। और माइग्रेशन प्रोसेस कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस पर लिखा भी आ रहा है, पाई टुडे मेननेट माइग्रेशन एंड अनाउंसमेंट। तो आपको उसी के लिए क्या करना है, मैं आपको माइग्रेशन डिटेल भी पहले बता देता हूँ कुछ। ये देखिए, मेननेट माइग्रेशन इज़ फाइनली हेयर। तो आपको क्योंकि मेजॉरिटी का KYC हो चुका है, तो जैसे दोस्तों जिन का KYC हो चुका है, अब वो अपना पाई माइग्रेट कर सकते हैं। तो आपको जैसे आप देख रहे होंगे कि आपने मेन लिस्ट चेकलिस्ट चेक करनी है, 1 से 6 स्टेप अगर आपके पूरे हो गए हैं तो आप मेननेट माइग्रेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये देखिए 14 दिन का पेंडिंग पीरियड है, आपको 14 दिन लगते हैं और उसको ट्रांसफ़र होने में। तो बैलेंस आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा जो भी वेरीफाई होगा, और जो आपका लॉक्ड बैलेंस है वो जैसे आपने लॉक करा है उसके बाद वो ट्रांसफ़र होगा। तो चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ फिर से प्रोसेस। तो ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, मेननेट ब्लॉकचेन आफ्टर द माइग्रेशन देयर विल बी अ 14-डे पेंडिंग पीरियड ड्यूरिंग विच पायनियर पाई बैलेंस इज इन देयर मेननेट वॉलेट विल नॉट बी ट्रांसफरबल येट बाय द पायनियर। तो चलिए अब आपको प्रोसेस बताता हूँ इसको कैसे आपने माइग्रेट करना है। चेकलिस्ट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए डाउनलोड पाई ब्राउजर ऐप मैंने डाउनलोड करा हुआ है, इस पर टिक लग चुका है। क्रिएट अ पाई वैलेट मैंने कर चुका है, वो उस पर भी टिक लग चुका है। कन्फर्म योर पाई वैलेट आपको कन्फर्म करना है, इस पर भी टिक लग चुका है क्योंकि मैंने उसको अपना पाई ब्राउज़र आपको डाउनलोड करके उसको क्रिएट कर लेना है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। कमिट टू लॉकअप कन्फिग्रेशन, लॉकअप हम कर चुके हैं, आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए जैसे मैंने आपका अपना 90% बैलेंस सिर्फ 3 साल के लिए लॉक करा हुआ है। तो सारे दोस्तों ऑप्शन पे आपके पूरे स्टेप पे कमिट टू लॉकअप कन्फिग्रेशन, जैसे 4 KYC मेरा हो चुका है, वेट फॉर KYC रिजल्ट वो भी हो चुका है। अब 7th है, देखो माइग्रेट टू मेननेट। तो आपको दोस्तों एक बार बता दूँ, इसमें आपको एक पासवर्ड डालना पड़ेगा, जो आपने पासवर्ड अपना कंफर्म जब आपने अपना पाई वैलेट क्रिएट करा था तब आपने डाला था। ये वाला ऐसा एक पासवर्ड होता है दोस्तों, जैसे आपको मैं आपको इस पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, आपको अब थोड़ा सा याद आ रहा होगा, जब आपने अपना पाई वैलेट क्रिएट करा था तब आपने यहाँ एक पासवर्ड डाला था, जो ऐसे वर्ड्स का पासवर्ड है, आपको वो वाला पासवर्ड इंटर करना है। आपको वो अपना पासवर्ड ज़रूर याद रखना है। तो चलिए उसमें बैक करता हूँ। तो ये दोस्तों आपको 6 स्टेप इसमें कंप्लीट कर लेने हैं, फिर 7th स्टेप है माइग्रेट टू मेननेट, और फिर आपको 8th स्टेप है इनवाइट योर टीम टू कंप्लीट KYC। तो चलिए मैं आपको एक बार पाई ब्राउजर पे दिखाता हूँ आपको वहाँ क्या क्या स्टेप करने हैं। तो ये आ गए हम अपने पाई ब्राउजर में, अभी पाई ब्राउजर हमारा ओपन हो रहा है। ये देखिए पाई ब्राउजर में आ चुके हैं, वॉलेट पाई, अब वॉलेट पाई पे क्लिक करते हैं। ये देखिए पेस्ट योर पासवर्ड टू अनलॉक योर वॉलेट, मैं इसको फिंगरप्रिंट से भी अपने दोस्तों अनलॉक कर सकता हूँ। अगर आप अपना ये वाला पासवर्ड भूल चुके हैं, लॉस्ट योर पास फ्रेज, यू कैन रीसेट योर वॉलेट बट ऑल योर पाई इन योर प्रीवियस वॉलेट विल बी इनएक्सेसिबल। तो आप अपना पासवर्ड तो रीसेट कर सकते हैं बट आप अपने प्रीवियस जो पाई है उसको असेस नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों बहुत आपको केयरफुली ये काम करना है। ये देखिए जैसे मैं इस पर
अनलॉक विथ फिंगरप्रिंट करता हूँ, तो मैं ये अपना फिंगरप्रिंट लगाऊंगा तो ये मेरा ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारा जो हमने पाई टेस्टनेट है, ये हमारा जो हम ट्रांसफ़र जब हमारा वो बैलेंस हो जाएगा वो पाई मेन नेट में, अभी ये ज़ीरो शो कर रहा है बट यहाँ पे वो सारा बैलेंस शो कर जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं हमारी मेन ऐप में, दूसरा पाई में। तो फिर चेकलिस्ट पे क्लिक करेंगे, चेकलिस्ट पे क्लिक करने के साथ माइग्रेट टू मेन नेट पे हम जाएंगे। तो ये देखिए, ये मेरा पाई नेटवर्क एक्नॉलेजमेंट टू रिसीव पाई टोकन, ये देखिए सुनील कुमार सैनी, तो ये इनकी टर्म एंड कंडीशन है, तो ये देख रहे हैं इनको एक्सेप्ट करना होगा। तो ये देखिए, यहाँ पे मुझे वही वाला फ्रेज डालना पड़ेगा, बी कॉशन नेवर लूज योर फास्ट पास फ्रेज और शेयर इट विद एनीवन। तो मैंने उसको कॉपी करा हुआ अपने फ्रेज को, तो मैं यहाँ पे उसको पेस्ट कर दूंगा और साइन इन कर दूंगा। सबका दोस्तों ये अलग अलग होगा, मेरा अलग है, तो मैं इसको अंडरस्टैंड कर देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मेरी ये रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है, द वॉलेट एड्रेस यूज टू साइन, ये देखिए, और आज 29 डेट आ रही है और डिजिटल सिग्नेचर, ये मेरी सबमिट हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे ये मेरा 7th पॉइंट, अब आप देखो, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बीन एडेड टू द ऑटोमेटिक माइग्रेशन क्यू, योर ट्रांसफर बैलेंस विल बी माइग्रेटेड इनटू योर वॉलेट ऑन द मेननेट ब्लॉकचेन आफ्टर द ट्रांसफर टू द मेननेट, देयर विल बी 14 डे पेंडिंग पीरियड, द अनलॉक पोर्शन विल बी फ्री टू यूज इमीडिएटली आफ्टर द 14 डे। इसका मतलब दोस्तों, 14 दिन के बाद ये मेरा जो अभी बैलेंस है वो मेन नेट पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, और जो मेरा लॉक वाला पोर्शन है वो जब मेरा लॉकिंग पीरियड पूरा हो जाएगा मैं उस टाइम ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो बहुत ही अच्छी दोस्तों, देखिए अपॉर्चुनिटी हो चुकी है। एक बार चलते हैं, चलिए हमारी पाई ऐप ब्राउज़र में, तो यहाँ चेक करते हैं कि हमारे लिए वो हमने जो अभी बैलेंस ट्रांसफ़र करा अभी रिफ़्लेक्ट होना शुरू हुआ या नहीं, बट ये एग्जैक्ट दोस्तों 14 दिन के बाद रिफ़्लेक्ट होगा। तो ये मैंने अपना पाई मेननेट अभी देखिए अभी नहीं रिफ्लेक्ट कर रही है, बिल्कुल 14 दिन के बाद ये रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। चलिए चलते हैं फिर से पाई ऐप में। अब आपको क्या करना है, आपको अगर आपकी कोई टीम का केवाईसी नहीं हुआ तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आप अपनी टीम को इनवाइट करें केवाईसी करने के लिए, तो योर रेफरल टीम एंड सिक्योरिटी सर्कल मेंबर, आपको जितने भी आपके मेंबर हैं वो आपको यहाँ दिख रहे होंगे। तो ये देखिए, अनवेरीफाइड बैलेंस 4437, योर अनवेरीफाइड बैलेंस कैन बिकम ट्रांसफर टू मेन एज पीपल इन द लिस्ट बिलो वेरीफाई देयर आइडेंटिटी, रिव्यू हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बोनस बैलेंस फ्रॉम योर पास्ट माइनिंग, यू कैन लेटर इन्वाइट द मैं केवाईसी फ्रॉम हेयर टू इंक्रीज योर ट्रांसफर बैलेंस। तो हम इनको आप इन्वाइट करें और ताकि आपका ट्रांसफर बैलेंस ज़्यादा हो जाए। अब मैं आपको बताता हूँ मेरा कितना ट्रांसफर बैलेंस है, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा मेन नेट पे क्लिक करूँगा, तो ये देखिए दोस्तों मेरा अनवेरीफाई बैलेंस जो है ये 4437 है, और इसको अगर प्रीव्यू करते हैं तो ये प्रीव्यू में हमारे सारे अरे ट्रांसफर बैलेंस टू मेन नेट ये मेरा 1386 है, जो मेरा अभी ट्रांसफ़र हो जाएगा, और माइग्रेटेड टू मेन नेट आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द मेन नेट चेकलिस्ट स्टेप एंड योर ट्रांसफर बैलेंस टू मेन नेट इज माइग्रेटेड टू योर वॉलेट। तो ये देखिए, मैंने पूरा अपना 7th स्टेप कंप्लीट कर दिया है। तो ये मेरा बैलेंस, जो मेरा ट्रांसफ़र बैलेंस ये वाला पिंक कलर में शो हो रहा है, ये मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये था पूरी पाई के रिलेटेड। आपको भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप मुझे कमेंट करें, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको उसका 100% रिप्लाई करूँगा। तो इसी के साथ आज पाई वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए। यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे क्विज़ की वीडियो मिलती है, जैसे अमेज़ॉन, दैनिक भास्कर, मीशो, पेटीएम, गूगल पे, क्रेड, फ्लिपिट की, जिसमें आप दोस्तों बहुत ही बड़े बड़े प्राइजेस जैसे आईफोन, एप्पल वॉच, एप्पल आईपैड, एप्पल मैकबुक, एप्पल एयरपोर्ट फ्री में जीत सकते हैं। इसके साथ साथ आप वन प्लस के दोस्तों नॉर्ड सीरीज़, वन प्लस की 9R, 9 Pro, 10R, 10 Pro और वन प्लस के TV जीत सकते हैं। IQ के मोबाइल आप जीत सकते हैं, सैमसंग, LG, सोनी के 55 इंच के 4K TV जीत सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आप MI Redmi Xiaomi के मोबाइल, MI Redmi Xiaomi के TV भी जीत सकते हैं। उसके साथ साथ सैमसंग का S22 और आपको सैमसंग का फोल्डेबल फ्लिप 3 भी आप जीत सकते हैं। ये सारे प्राइजेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, आपको कुछ नहीं देना दोस्तों, सिर्फ खेलना है, खेलना है, खेलना है, अपना कर्म करना है। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को ज़रूर बताएं ताकि वो भी इसको खेल सकें। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए, खेलते रहिए, अपना प्यार ऐसे देते रहिए।
थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।